हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। साल भर में 24 एकादशी आती है जिसका अलग अलग महत्व है। इस बार जो एकादशी आ रही है वो कौन सी है, आइए जानते हैं। भादव मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस एकादशी को डोल ग्यारस अर्थात भगवान का जो डोल होता है यानी झूला होता है, झूलनी ग्यारस के नाम से, डोल ग्यारस के नाम से भी इस ग्यारस को मनाया जाता है। एकादशी यह जो है महालक्ष्मी के और भगवान नारायण के पूजन के लिए एक बहुत उत्तम दिवस माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी से हमारे जीवन में नवीन परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इस एकादशी के व्रत करने से, इस एकादशी के दिन दान पुण्य करने से हमारे जीवन में माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पे विराजमान करवाकर भगवान की तुलसा से अर्चना करना चाहिए, केसर चंदन का तिलक लगाना चाहिए, पीले वस्त्रों को भगवान को धारण कराना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान नारायण की अर्चना करते हैं, भगवान को तुलसा जी अर्पित करते हैं। इस दिन भगवान को तुलसा अर्पण करने का एक विशेष दिवस होता है और तुलसा चढ़ाते वक्त ओम तुलसी दिव्यै च विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्, इस मंत्र को पढ़ते हुए जपते हुए यदि हम भगवान को तुलसा अर्पण करते हैं, भगवान हमारे मनोवांछित फल की प्राप्ति करवाते हैं। सभी प्रकार से शुभता प्रदान करने वाला यह दिव्य परिवर्तनी एकादशी का व्रत है जो हम सबको करना चाहिए। 14 सितंबर के दिन हम सब यह एकादशी का व्रत करेंगे और इस व्रत का पुण्य फल हमारे जीवन में प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण।